हेलो स्टूडेंट, आज आपका इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है और पार्ट 19 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि जो एक्सेस मनी आता है, एक्सेस मनी एप्लीकेशन में, उसका कितना पार्ट कैपिटल में गया, अब कुछ पार्ट एसपीआर में भी गया है। इसमें गया एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो बताया गया कि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट शेयर फॉरफिट में उस अमाउंट को डालते हैं जो कैपिटल का पार्ट आता है, और एसपीआर में उस अमाउंट को डालते हैं जितना पैसा नहीं आया। लेकिन यदि कुछ पैसा आ चुका है, ठीक है, तो उतने अमाउंट से हम क्या कर देते हैं, शेयर एसपीआर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्या कहते हैं बेटा? देखिए, एस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स, फॉरफिटेड 500 शेयर्स बोल रहा है, 500 शेयर फॉरफिट बोल रहे हैं। मतलब इतना ही शेयर अलॉट हुआ है, जितना शेयर फॉरफिट का उसी को अलॉट किया हुआ, सॉरी जितना अलॉट किया उसी को फॉरफिट करेगा, अप्लाई करने का पड़ो शेयर। अब 10 ही इसी पे जो कितनी 10 है, इश्यूड एट अ प्रीमियम रुपीज 2.5 पर शेयर। प्रीमियम मनी कितनी है? 2.5 है पर शेयर। टू अर्पित हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर। अर्पित ने कितना अप्लाई किया था? 1000 शेयर अप्लाई किया, और कंपनी ने कितना दिया? 500 शेयर दिया। कितना दिया? 500 शेयर दिया। इसका मतलब हुआ कि 500 शेयर का पैसा कंपनी के पास है। अर्पित हैड पेड रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन। कितना पेमेंट किया? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। मतलब टोटल कितना पेमेंट किया हुआ? 3000। जब 1000 अप्लाई किया और 3 रुपीज एप्लीकेशन है, तो टोटल 3000 पेमेंट किया। बट डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 4.5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो अलॉटमेंट मनी है 4.50 रुपीज, उसी के साथ क्या प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम कितना? 2.50 रुपए हो गया, राइट है। तो कैपिटल कितना रहा शेयर अलॉटमेंट का? सिर्फ शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना रहा हुआ? 2 रुपीज पर शेयर। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। और फर्स्ट कॉल मतलब उसने क्या क्या पेमेंट किया? अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं करी और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया। और क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल कॉल कंपनी ने क्या किया? कॉल नहीं किया। दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर। देखो कितने में बेच रहा है? 8 पर शेयर। इतने में ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। एज फुली पेड अप, फुली पेड अप बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि रीइश्यू के वक्त में जब कैपिटल आप क्रेडिट करेंगे तो कितने से आएंगे? फेस वैल्यू से। और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। क्या बोल रहा है? फॉरफिटेड एंड रीइश्यू की एंट्री पास कीजिए, किसी और की एंट्री मत पास कीजिए। मतलब एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, उसकी एंट्री नहीं पास करनी, सिर्फ फॉरफिटेड की एंड रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट मनी। बोलता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ना शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करिए। देखिए ये लाइन नहीं भी बोलता ना तो भी हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट तक एक्सेस मनी को एडजस्ट करने का राइट है। हाँ, उसके बाद हम नहीं कर सकते यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो। ओके, ध्यान से देखिए, आप इसको देखिए कैसे बना दें। ये टेबल बना लेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाली क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। ये वाली क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना? 1000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 500। पैसा कितना आया? 1000 शेयर, 1000 शेयर अप्लाई किया इंटू रुपीज 3 है, अप्लाई करने कितनी 3 है, तो 1000 × 3 = 3000 हो गया। पर कंपनी ने से अलाउ कितना किया? 500 शेयर। अब पता कैसे चला कि अलॉटेड है? यहां लिखा हुआ फॉरफिट, या तो जितना अलॉट किया उसी को फॉरफिट करेगा ना, तो 500 शेयर
5 × 3 कितना 1500। तो शेयर कैपिटल में जो आ गया एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, उस केस में आ गया 1500 आ गया एप्लीकेशन के थ्रू जो आया, राइट है। तो 3000 में से 1500 आपने यूज कर लिया, राइट है ना। तो सरप्लस कितना बचा 3000 - 1500 या दूसरा तरीका क्या है, तो 1000 में से 500 शेयर ही क्या किया अलॉटेड हुआ है, तो 500 शेयर का पैसा कंपनी के पास है, तो 500 शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 है, तो 5 × 3 1500 का पैसे निकाल सकते हैं, दो प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सरप्लस मनी हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, तो जो सरप्लस मनी होता है उसमें से पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल का पार्ट एडजस्टमेंट करते हैं, पहले कैपिटल का पार्ट एक्सेस मनी को एसपीआर को बाद में यूज करते हैं यदि बचत। तो ध्यान दीजिए, तो हमें कितना चाहिए अलॉटमेंट के थ्रू जो कैपिटल बन रहा है वो कितना बन रहा है 500 × 2, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम मनी जो है 2 रुपए 50 पैसा है अलॉटमेंट के साथ, और अलॉटमेंट मनी कितना मांग रहा है प्रीमियम को लगा करके जोड़ करके 4.5, तो इसमें से 2 रुपए 50 पैसा हटा देंगे तो जो अलॉटमेंट मनी वो कितना 2 रुपया, तो 500 × 2 1000 क्या किया कैपिटल में क्या कर लिया यूज कर लिया, शेयर कैपिटल में क्या किया यूज कर लिया। अभी भी हमारे क्या 500 बचा हुआ है, तो वो किसमें यूज कर लिया एसपीआर में यूज कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देखिए इसमें टोटल कुल कितना किया बताइए 9 रुपए 50 पैसे, लेकिन एसपीआर को छोड़ करके, क्योंकि एसपीआर इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल, तो हम यहां जब शेयर फॉरफिट को करेंगे, ठीक है ना, शेयर कैपिटल को ध्यान देखिएगा, तो कितने से करेंगे जितना कॉल किया सम ऑफ कॉल्ड अप मनी शेयर कैपिटल अकाउंट लिया कितना, देखिए 1 शेयर में आपने क्या किया अप्लाई किया ये कॉल कर लिया एप्लीकेशन का 3 अलॉटमेंट का 2 फर्स्ट कॉल का 2, तो टोटल हो गया 1 × 7 × जितने शेयर को क्या कर रहे हैं फॉरफिट कर रहे हैं ये, तो 7535 3500 जितने आप क्या करते हैं सम कॉल्ड अप मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्यों एक्सक्लूडिंग प्रीमियम क्योंकि प्रीमियम इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल। अब यहां पे देखिएगा अब यहां पे क्या लेंगे एसपीआर को लेंगे एसपीआर को एसपीआर कितना लेंगे ध्यान देखिएगा एसपीआर जो लूंगा ध्यान देखिएगा ये इसका एसपीआर में देखिएगा एसपीआर जो है 500 शेयर्स है इंटू 2 रुपीज 50 पैसे है तो टोटल हो गया 1250 एसपीआर है, इसमें से आ चुका रिसीव 500 आ चुका ये वाले, तो कितना नहीं आया 750 नहीं आया, तो 750 हम क्या करेंगे डिबिट कर देंगे, जितना एसपीआर का मनी नहीं आता उतनी से हम डिबिट करते हैं, आ गया तो छोड़ देते हैं। ये एसपीआर का है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितना पैसा नहीं आया अलॉटमेंट में जितना पैसा नहीं आया तो कितना पैसे नहीं आया बताओ, देखो प्रीमियम मनी पूरा आ गया सॉरी कैपिटल का पूरा पार्ट आ गया और इसका टोटल मुझे कितना चाहिए 1250 चाहिए, उसमें से 500 आ चुका तो 750 नहीं है ना, तो 750 से कर दीजिए, क्लियर है। और टोटल में से जो पैसा आ चुका टोटल में से जितना पैसा आ चुका उसमें ना सिर्फ प्रीमियम मनी को लेस कर दीजिए, ठीक
ठीक है, फेल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 500 शेयर्स इंटू रुपीज टू, कितना 1000, और टू शेयर फॉर पीटेड अकाउंट, फॉरफिट अकाउंट कितना, जितना पैसा आ चुका टू शेयर फॉरफिट, जितना पैसा आ चुका उसमें से यदि एसपीआर का पार्ट है, यदि उसमें कुछ एसपीआर का पार्ट है तो उसको हटा दीजिए। देखिए टोटल पैसा जो आया ये 3000 आया, तो 3000 इसमें से एसपीआर का कितना पार्ट है 500, ये वाली 500, तो 500 क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, राइट है, तो 2500 शेयर फॉरफिट में सिर्फ कैपिटल का पार्ट आता है कि कैपिटल का पार्ट में से कितना पैसा आ चुका, क्लियर है। मेन शेयर फॉरफिटेड, मेन शेयर फॉरफिटेड, अभी शेयर को रिश्यू कर देते हैं 8 रुपीज में, बोल रहा है रिश्यू 8 रुपीज पर शेयर, और फुली पेड अप बोल रहा है, फुली पेड अप या कॉल्ड अप बोल दिया, ठीक है ना, फुली पेड अप, यदि फुली पेड अप बोल दिया तो आप कैपिटल जितना भी बनाया इशू वक्त में, इशू वक्त में तो हमारा 7 रुपीज ही कैपिटल बना है, यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट जो करते 7 रुपीज ही करते, मतलब जितना आपने इशू वक्त में क्रेडिट किया या बनाया कैपिटल को, लेकिन यहां पे फुली पेड अप बोल दिया तो इश्यू वक्त में कितना कैपिटल बनाया, ठीक ना, ड्यू कर करके, ठीक ना, वो मायने नहीं रखता वो, राइट है। तो ध्यान देखिए, यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट इश्यू क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डीआर कितना 1 शेयर इंटू रुपी 8, इसको ध्यान देखिए रुपी 8, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 शेयर रुपीज 10, 10 की चीज को आपने कितने बेचा 8 रुपीज में बेचा, तो लॉस हो गया कितने का 2 रुपीज का, तो कैसे एडजस्ट करते हैं शेयर प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफिट वन कितनी 1 शेयर इंटू रुपी 2, अब जितना शेयर इश्यू किया आपने उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 500 शेयर इश्यू किया, जितना शेयर इश्यू करते हैं 500 शेयर इश्यू किया, 500 शेयर इश्यू किया तो 8544000 बैंक में डीआर 1000 शेयर प्रॉफिट में 500 इंटू 10 5000 ये कैपिटल बन गया बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग प्रॉफिट शेयर रीइश्यूड, बीइंग इन प्रॉफिट शेयर्स, शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग प्रॉफिट शेयर रीइश्यू, आप देखिए क्योंकि इसमें क्या क्या 100% रीइश्यू कर दिया, जब 100% रीइश्यू कर दिया तो इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% रीइश्यू कर लेते हैं तो जितना आपने शेयर प्रॉफिट किया जितना डेबिट किया
दोनों का क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या 100% रिशू कर लिया। यदि पार्सली रिशू करते हैं तो फिर इसका निकालने का तरीका अलग है। पहले यहाँ पे 100% कर दिया तो कोई पंगा नहीं है, बस उन दोनों का डिफरेंस ले लिया। किन दोनों का? आपने शेयर प्रॉफिट को कितने से क्रेडिट किया और शेयर प्रॉफिट को कितने से डेबिट किया, ठीक है ना। डेबिट शेयर प्रॉफिट डेबिट कभी भी क्रेडिट से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लिखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 1500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ट्रांसफर कर दीजिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 2500 इंटू माइनस 1000 हो गया 1500 पिन प्रॉफिट ऑन बीइंग प्रॉफिट ऑन रिशू शेयर बीइंग प्रॉफिट ऑन रिशू शेयर इज ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व।